अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सोया चैन की बहुत अच्छी सी एक लाजवाब सी डिश है, जो कि आप बीफ़ के गोश्त को भी ये बना लेंगे अगर इस तरीके से आप इसको, तो बीफ का गोश्त या फिर कोई भी गोश्त हो, मटन चिकन जो भी हो, वो पूरा का पूरा इसके सामने फेल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सोया चंक लिया है, जिसको सोयाबीन भी बोलते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में बॉईल करके इसको रख लिया हुआ है। देखिए ये पूरा अच्छे से फूल चुका है। गर्म पानी में इसको थोड़ा सा बॉईल करना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये बॉईल हो जाए तो इसका पानी निकाल के इसको छाँक के अलग रख लेना है। यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिया। आलू को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काटना है। देख सकते हैं आप साइज, जो साइज मैंने किया है आलू का यही साइज़ रहेगा। यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए हैं मैंने, जैसे कि मैं बता दे रही हूँ, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून यहाँ पे लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। गरम मसाले का यूज़ मैं बाद में करूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले 2 बड़ा प्याज जो है, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को मैंने स्किप कर दिया, वक्त जाया कि ये करने के लिए होने के लिए, मैंने प्याज को यहाँ पर फ्राई कर लिया था। यहाँ पर 100 ग्राम ऑयल डाला था, जिसमें 2 बड़ा प्याज मैंने फ्राई कर लिया है। अब फ्राई जब हो जाएगा प्याज, तो सारे मसाले जो मैंने गुड़ा वाला जो भी आपको दिखाया है, वो सारे मसाले एक साथ इसमें डाल देने हैं। और बस मसालों को 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी से इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसका तेल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए ऊपर ऊपर इसकी लेयर में, तब तक इसकी भुनाई करनी है। अब 1 टीस्पून भर के यहाँ पे नमक ऐड करना है, जायके के हिसाब को, कुछ स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करना है। जितना स्वाद आपको टेस्ट पसंद है उतना नमक आप ऐड कर सकते हैं। तो बस मसालों में तेल ऑब्जर्व हो, जब तक ऊपर हो जाए तब तक मसालों को भुनते रहना है। बस मसाला जब अच्छे से देखे आपको कि भुन रहा है, देखिए तेल मेरा अलग हो रहा है, तेल की परत लेयर ऊपर दिख रही है, तो समझ जाए आपको कि मसाला यहाँ पे अच्छी तरीके से भुन गया है। और बहुत अच्छा सा स्मेल भी आ रहा है मसालों में। यहाँ पे 1 टेबल स्पून आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर। तो मैंने सोया चंक जो है एकदम बॉईल करके रखा हुआ था निकाल के, उस सोया चंक को इसमें ऐड कर लिया है। बस सोया चंक को थोड़ा सा भुनना है, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा लगता है अगर ऐसे डायरेक्ट हम इसको डाल देंगे तो। आप चाहे तो तेल में अलग इसको भून सकते हैं, उससे क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा सोख लेता है, तो इसके लिए मसालों में ही भुनना ठीक होता है। तो 5 मिनट के बाद पूरा मैंने फिर आलू इसमें डाल लिया है, जो आलू मैंने काट करके रखा हुआ था। तो आलू और सोया चंक को मैं सिर्फ तेल में, इस मसालों में सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे भुनना है मुझे, ताकि जो है इसका कच्चापन जो है सोया चंक का चला जाए और पूरा का पूरा इसका गोश्त का टेस्ट आ जाए इसमें। जितना आप इसको भुनेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट बन के अच्छा तैयार होता है। तो आप इसको अच्छे से भून लें। और मसाले मैंने पूरे गोश्त का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं एवरेस्ट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। एवरेस्ट का मीट मसाला है, जो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर कोई और ब्रांड का भी आप चिकन का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं गोश्त का टेस्ट देके इसको बना रही हूँ, तो कोई भी गोश्त का मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसको भून लिया है मैंने। अब 2 से 3 कप इसमें पानी ऐड करना है, जितना कि मुझे इसमें झोल रखना है। बस पानी उतना ही ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और बस इसको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बॉयल होने तक का वेट करना है। तब तक मेरा आलू भी गल जाएगा और मेरी सोयाबीन भी अच्छे से पक जाएगी। तो 10 मिनट के बाद मैंने गैस के फ्लेम को पूरा लो कर दिया है, और अब इसको चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सा दिख रहा है ये। कहीं से भी आप अगर दूर से इसको सर्व करके, और अगर आप इसको रोटी नान चपाती के साथ खाएंगे, तो कभी आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि ये बीफ का ही गोश्त या मटन या चिकन आप खा रहे हैं। ऊपर से धनिया गार्निश कर लीजिए, या फिर उसमें भी आप पहले से भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाला है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये सिंपल एंड एकदम इजी रेसिपी है, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइए मुझे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर हाजिर हो जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।